बेसिकली गुडुची इज अ श्रब जो कि इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका में अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसे आयुर्वेदा में रसायन कहा है। रसायन यानी पूरे बॉडी को रिजुविनेट करना, शरीर में रोग का नाश करना, अग्नि यानी डाइजेशन को बढ़ाना, बुद्धि इंटेलिजेंस को बढ़ाना और बल यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। कहीं डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए गुडुची के एरियल रूट्स, इसके स्टेम और इसके पत्ते लीव्स का यूज किया जाता है। गुडुची में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, मैंगनीज अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुडुची। नंबर वन, हम सभी को जिसकी जरूरत है, अग्नि दीपन यानी सच हर्ब विच इंक्रीजेस द डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ। हमने देखा है बच्चे उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें खाना नहीं खाना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट्स आजकल इतना स्ट्रेस, इतना एंग्जाइटी है कि खाना नहीं खाना है उनको। ओल्ड एज यानी एज के कारण भूख कम हो जाती है। तो ऐसे कई केसेस में गुडुची के बेहतरीन रिजल्ट्स है। अग्नि दीपन यानी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम गुडुची का है। दूसरा यानी मेध्य यानी ब्रेन टॉनिक की तरह काम करना बच्चों में उनके नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स में ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स, गुडुची वर्क्स लाइक अ नेचुरल ब्रेन टॉनिक। नंबर थ्री, इट्स वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। आज से हजार साल पहले आचार्य सुश्रुत जो कि फादर ऑफ सर्जरी है, यानी दुनिया के सबसे पहले सर्जन आचार्य सुश्रुत जी, सूचरिंग ऑफ द वुंड्स यानी वुंड्स को सूचर करने के लिए गुडुची के रूट्स का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि गुडुची के जो रूट्स है ये बहुत पतले बट बहुत मजबूत यानी स्ट्रांग होते हैं और गुडुची के रूट्स में कई वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो ये है बेनिफिट एक गुडुची का। फोर्थ वन, ज्वरग्न, ज्वर यानी फीवर। 90 से भी ज्यादा मेडिसिन जो फीवर के लिए है उनमें गुडुची इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। ये बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने का काम करता है। द फिफ्थ वन, इट्स श्वास एंड कास। कई रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ, कोल्ड, साइनस, हेडेक, ऐसे कई रोगों में गुडुची के बेहतरीन रिजल्ट्स है। मेहर यानी UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में इसके अच्छे रिजल्ट्स है। आमहर यानी शरीर में एक अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट जिसके कारण अजीर्णता या इनडाइजेशन होता है और हमें पता है इनडाइजेशन के कारण कई रोगों की शुरुआत होती है। तो ऐसे कई टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का काम है गुडुची का। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गुडुची। गुडुची का यूज किस तरह से किया जाए। सबसे पहले तो स्वरस यानी फ्रेश गुडुची का जूस अराउंड 10 to 20 ml इज द डेली इनटेक। आजकल गुडुची के पाउडर इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द मार्केट, हर जगह इसके पाउडर अवेलेबल है। सो 3 to 6 grams इज द डेली इनटेक। या फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं गुडुची इन द फॉर्म ऑफ डिकॉक्शन, एक काढ़ा, एक क्वाथ की तरह, अराउंड 20 to 30 ml ऑफ दिस लिक्विड रेगुलरली। आजकल मार्केट में कई रेडीमेड गुडुची कैप्सूल्स या फ्रेश जूसेस ऑफ गुडुची अवेलेबल है जिसके भी बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। उसी तरह से कई प्रोप्राइटरी मेडिसिन जैसे कि प्रोमो एफ ऑफ एक्टिवेयर इंडिया यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करने वाला ये मेडिसिन, जैसे कि त्वक्सीमाइड यानी स्किन के लिए स्पेशल मेडिसिन और एक्टिवेयर इंडिया लिव सी जो कि एक लिवर टॉनिक है, ऐसे कई मेडिसिन में गुडुची इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जिसके कारण इसके रिजल्ट्स जो है वो बेहतरीन है। ओवरऑल गुडुची इज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ये लिवर हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इट हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड इट इज एनल्जेसिक। बॉडी में कहीं पेन हो तो उस पेन को रिलीफ करने का काम है गुडुची का।